ये सही जगह ठीक जगह है। हाय एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत 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 टाइम बाद मैं दोबारा से अपने फैन से मिलने लगी और मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं पहले बता चुकी थी कि मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, बट अब मैं फिर बैठी हुई तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा ख्याल आया कि यार मतलब क्या इंसान करे, अब तो सोशल मीडिया के बाद लाइफ ही कुछ भी नहीं है। मैंने पहले सोचा कि यार कुछ नया करना चाहिए, पर फिर मैंने सोचा मैं क्या नया करूं। हमने घर का काम भी कर लिया, हमने नमाज भी पढ़ ली, बट फिर भी जब हम फ़ोन उठाते हैं तो मामा को याद आ जाता होता है कि बस बस ठीक है, यूज़ करो फ़ोन, किसने रोका है, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, बस गंदी औलाद, हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। इसके बाद फिर हमारे दिल का हाल आप समझ सकते हैं, दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर मैंने सोचा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे मॉम को लगे कि हम फोन भी यूज नहीं कर रहे और कुछ काम भी कर रहे हैं, और हम ऐसा ही कुछ करने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने फैंस को एक अच्छा सा व्लॉग दूँ। डेली रूटीन्स के बारे में तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, बट मैंने सोचा कि जैसा मैं तैयार होती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ, मैं अपना टिकटॉक के लिए तैयार होती हूँ, तो मैं जैसे जैसे लुक क्रिएट करती हूँ मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी इंशाल्लाह। इतनी तो मैं भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट जितना आता है उतना तो बता ही दूंगी यार। इतनी भी अब बुरी नहीं हूँ, करने से ही आता है। मैं तो पहले ही हमेशा बात अपने दिल में यही रखती हूँ कि हम करेंगे तो मिलेगा, ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से बहुत सारी बातें होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम क्या लुक क्रिएट करेंगे। फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ शादियों वाली लुक क्रिएट करनी चाहिए। उठा ले रे देवा। आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम कैसे तैयार होंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। तो गाइस फर्स्ट तो मैं अपने मुंह पे करूँगी, वो करूँगी प्राइमर, और प्राइमर ये आई तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मुझे ब्रश से काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ब्रश से काम करके हम अपना काम बढ़ा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, तो मैं सब कुछ हाथ से कर। प्राइमर तो मैंने कर लिया है, हम लगाएंगे अपने आई लेंसेस। जैसा कि मेरे आई लेंस लग चुके हैं और थोड़े थोड़े से मुझे इरिटेशन दे रहे हैं जी। तो गाइस आई लेंस मेरे डन हो चुके हैं, मतलब मेकअप के बगैर आई लेंस लगाना ना आपको जिनों वाली थोड़ी थोड़ी फीलिंग देता, तो मतलब ना अब मैं आपको थोड़ा सा मेकअप वगैरह करके दिखाता, फिर आपको अच्छे लगेंगे यार, कलर अच्छा आई लेंस का बहुत ज़्यादा। तो जी अब हम सबसे पहले जी मैंने अपने फेस को जी प्राइमर वगैरह लगा लिया था पहले ही, अब मैं लगाऊंगी जी फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं एक नहीं लगाती, फाउंडेशन मैं एक दो मिक्स करके लगाती हूँ, तो दो करती हूँ जी फिट मी का और मेबलिन का। अब मैं जी आपको ये लगा के दिखाती हूँ जी। तो गाइस जैसा कि मैंने ना अपने ना थोड़े से फाउंडेशन में ना थोड़ा सा ना बिल्कुल थोड़ा सा सन ब्लॉक मिक्स किया, क्योंकि मुझे सन ब्लॉक से ऐसा फील होता है कि जैसे हमारा ना फेस की जो लुक है ना वो थोड़ी फ्रेश फ्रेश नज़र आ रही है, तो सन ब्लॉक मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि मतलब वो थोड़ा सा कलर भी हमारा फेयर कर देता है और ना वो लगता भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल खाली जो सन ब्लॉक लगाते होते हैं ना उसे मुझे इतना फेस इतना प्यारा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट दिखाता है, और मिक्स करके लगाऊँ ना तो वो फिर बहुत अच्छी लुक देता है। ब्रशेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फाउंडेशन लगाते हुए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ब्रशेस से वो मज़ा ही नहीं आता यार फाउंडेशन लगाने का, जो ये देसी तरीके से यूं यूं कर कर के मज़ा आता है। और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जी तो गाइस इस वक्त मैं जी अपना फाउंडेशन लगा चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा सा मैं लगाऊंगी जी कंसीलर, तो उसके बाद आपसे जी। तो गाइस कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ जी फिट मी का, और फिट मी का कंसीलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइस कंसीलर मेरा लग चुके, अब मैं लगाऊंगी अपने फेस पे फेस पाउडर, और फेस पाउडर से तो मतलब मज़ा ही आ जाता है ना अपने फेस का, सब कुछ
डन हो जाता फेस पाउडर। विदाउट फेस पाउडर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेकअप हुआ ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है अपने मुंह पे। तो अब फेस पाउडर से खुद ही फेस साइड्स पे डिफरेंट देखने कि ये कितना अजीब सा लग रहा है, और मतलब ये कितना बैठा बैठा कितना प्यारा सा लग रहा है। तो मुझे इसलिए ना फेस पाउडर बहुत अच्छा लगता है, बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मुझे फेस पाउडर से ना इश्क है। तो गाइज आई मेकअप मैं बहुत ही लाइट सा करूँगी, बहुत ही बहुत ही बहुत ही लाइट सा। फर्स्ट ज़्यादा ही मेकअप मुझे सूट ही नहीं करता, और मतलब लाइट सा ही मेकअप लगता भी बहुत अच्छा। इसी में जी मैं थोड़ा सा ही ना, थोड़ा सा बिल्कुल ना गोल्डन टच दूंगी। ये आईब्रो तक लेके जाने से ना हमारी ना आई की लुक बहुत बड़ी बड़ी नजर आती है, और जिससे बड़ी ही ना क्यूट से प्यारी सी लगती है। इससे ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा ही मेकअप करने से मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत बड़ी बड़ी वाली लुक आ रही थी। 16-17 साल की हम बच्चियाँ हैं, और हमें 25-26 साल की आंटी नहीं लगना। वैसे 26 साल की आंटियाँ मुझे कमेंट करेंगी कि 26 साल वाली आंटियाँ नहीं होती, तो मतलब नहीं, मतलब आंटियाँ नहीं होती यार, आप तो भी जवान हैं, बच्चियाँ हैं छोटी छोटी सी। मतलब एक बड़ों वाली लुक आ जाती है ना, तो मुझे भी बच्चों वाली लुक अच्छी लगती है। तो इससे ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करूँगी। इसी के साथ साथ दी थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि ना करेंगे जी अपना आईलाइनर। आईलाइनर को थोड़ा ना मोटा लगा है, क्योंकि ना मुझे आई लैशेज लगानी है, और कभी जिंदगी में आई लैशेज मेरी फक जगह पे नहीं लगी। कंट्रोल थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है इससे ना, मतलब दूर होके पता नहीं सेम लग गया है नहीं लगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि सेम लग गया। बट हम आई लैशेज लगा लेते हैं, और लैशेज के बाद हम चेक करेंगे कि क्या लुक दे रहा है ये। तो मैं आपको लैशेज लगा के मिलते हैं। गाइस एक लैशेज मेरी लग चुकी है, और जो कि मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। मैं ना दूसरी लगाने को जी। तो गाइस सेकंड लैशेज भी लग चुकी हैं, अब हम इसको थोड़ा सा ना कवर करते हैं, क्योंकि ना मुझे ये वाला आई लाइनर ना बहुत एक्स्ट्रा ही मोटा लग रहा है। इसको थोड़ा सा पतला करके ना। यस जी, तो गाइस मेरा आईलाइनर रेडी हो गया है, और मेरा आई मेकअप रेडी है। अब ब्लश करेंगे और लिपस्टिक लगाएंगे, तो इसके बाद आपसे मेरा आई मेकअप बिल्कुल रेडी हो गया। अब हमें थोड़ा सा ब्लश वगैरह करेंगे, और ना फिर मैं आपको स्क्रीन इस ब्लश भी मेरा हो गया है। अब हाइलाइटर रोके, मतलब वो तो जान है ना हाइलाइटर, तो मैं ना आपको हाईलाइट करके हाईलाइट भी मैं लगा चुकी हूँ। अब हम करेंगे लिपस्टिक थोड़ी सी। लिपस्टिक मुझे ना न्यूट कलर की ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि वो मेरे पर सूट करते हैं। तो अब मैं आपको कोई अच्छा सा लिपस्टिक कलर बताती हूँ। ये मैट लिपस्टिक पड़ी हुई है, इसमें भी बस दो तीन शेड है, बट मुझे ना ये वाला लाइट सा प्यारा लगता है। इस कलर को भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बिकॉज ये मुझे ना बहुत ही ना ज्यादा वो डार्क डार्क सा लग रहा है। एंड देन ये कलर बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। लिप्स की आउटलाइन करेंगे थोड़ी सी, तो वो मैं करूँगी जी थोड़ी सी ना जी। तो गाइस मुझे अब अपनी लिपस्टिक थोड़ी अच्छी लग रही है, बिकॉज मैंने ना इसमें एक दो शेड और ऐड किए हैं, और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
क्योंकि मुझे एक कलर की लिपस्टिक कभी भी पसंद नहीं आती। मैं एक कलर का मुझे कुछ भी नहीं पसंद आता, मैं हर चीज़ को मिक्स करती रहती हूँ और जब तक वो कुछ नया बन के ना निकले ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेकअप इज माय डन, और अब मैं अपना हेयर स्टाइल करूँगी। और मतलब मैं हेयर स्टाइल सोच रही थी कि मैं स्ट्रेटनर कर्ल्स करूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो अब हम आपको ना अपने हेयर स्टाइल करके दिखाते हैं। बालों का बहुत ख्याल रखो और अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि मैं इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं ख्याल रखती। मेरी माँ मेरे इस वजह से बहुत ज़्यादा तंग हैं कि मैं अपनी डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, बस जो मिल गया सो खा लिया। खुद मैंने बिल्कुल उठ के फ्रिज तक नहीं जाना, मुझे आप कह लेना मौत पड़ती है सब करते हुए। तो बस मुझे दुख भी होता है कि यार मतलब पहले मामा कहती हैं हम लोग अपने टाइम पे बहुत कुछ करते होते थे, अपनी डाइट का डिफरेंट तरीक़ों से ख्याल रखते थे, पर अब की जो जनरेशन है वो बिल्कुल भी नहीं अपना ख्याल रखती। तो रखना चाहिए अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल, कोई मुझे भी ये समझाए जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ जी। तो अभी हम करेंगे जी अपने बालों को कर्ल्स। जी तो गाइस, मुझे साइड पफ रखना है क्योंकि मुझे ना ये दरमियान वाली मांग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं नीचे से, मुझे बहुत ऊपर से अच्छे नहीं लगते। मुझे ना नीचे वाले कर्ल ज़्यादा अच्छे लगते क्योंकि वो थोड़ी ना ब्लो ड्राई वाली लुक देते हैं हमारे बालों को, और ना वो लगते भी बहुत प्यारे। जी तो गाइस, मतलब सबसे जो मेन चीज़ होती है ना वो होती है आपके ये आगे वाले बाल, इनको आप जितना आराम से और प्यार से फोल्ड करेंगे ना ये उतनी अच्छी लुक देंगे। क्योंकि नीचे से हम जैसे मतलब देखें ना बहुत रोल रोल करते हैं, तो ऊपर से लाइट अच्छे लगते हैं, मतलब थोड़ा सा आपके बालों में ना ऐसे ब्लो ड्राई वाला ना लुक आए। और मुझे ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं अपने कर्ल्स। यहाँ दूर से थोड़े से दिखाऊंगी और ये मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब मैं आपको अपना रेडी होके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मैं ये वाला मैचिंग नेकलेस पहनूंगी और ये मुझे बहुत ही ना प्यारा सा लग रहा है। मैंने ये पहन ली है, अब हमारे हाथ थोड़े से खाली हैं और अब हम करेंगे थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो अच्छी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर कोई बात बुरी भी लगी हो तब भी कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक्स वगैरह की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग जितना प्यार देंगे आप लोगों को मैं उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स दूंगी, आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियोज़ बनाऊंगी। किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना हुआ, आप लोगों को मुझे कुछ बताना हुआ तो मतलब आप मुझे कमेंट्स करिएगा। आप लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने अपने कंटेंट के बारे में बताते रहा करिए कि मैं आप लोगों के लिए किस किस चीज़ की वीडियोस बनाऊं, और अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।